इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो स्टैंडिंग वेव हम लोग पढ़े, क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, उसका जो बेसिक फंडामेंटल यूजेस है उसके बारे में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। एक है, पहला है जिसको हम लोग रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। जैसा कि रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी हम लोग स्कूल में करे होंगे, तो इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिसमें मार्किंग किया रहता है, इस पे रीडिंग बना रहता है, इसमें पानी भरते हैं, इधर एक रिजर्वायर होता है, इसमें से पानी हम इसमें लेवल को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर ये जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है, ये एक एंड इसका ओपन रहता है और दूसरा एंड पानी ऐसे भरा रहता है, तो ये क्लोज जैसा बिहेव करता है। तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक क्लोज ऑर्गन पाइप जैसा बिहेव करता है। अब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करते करते हैं कि यहाँ पर इस पोर्शन को ऊपर नीचे करके इस पानी का लेवल को इस ट्यूब में हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहां से ये रीडिंग नाप सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि ट्विनिंग फॉग वाइब्रेट कराएंगे जिसका फ्रीक्वेंसी हमारा मान लो, ये ट्विनिंग फॉग वाइब्रेट कराएंगे जिसका फ्रीक्वेंसी हमें मान लो म्यू नॉट पता है। ये ट्विनिंग फॉग का अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो पहली बार हम जब ट्विनिंग फॉग वाइब्रेट कराते हैं और ये लेवल को ऊपर नीचे यहां से करके एडजस्ट करेंगे, जैसे ही हमें आवाज सुनाई दे, बहुत तेज आवाज सुनाई देगा, ये लेंथ हम मेजर कर लेंगे कितना है, ये L1, मतलब यहाँ पे हमने ये लेंथ नोट डाउन कर लिया, ये लेंथ है L1। इसके बाद फिर उसी ट्विनिंग फॉग से जिसका फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है उसी को फिर से वाइब्रेट कराते हैं और इसको धीरे धीरे करके नीचे करते, तो धीरे धीरे नीचे करेंगे तो एक बार और ये स्टैंडिंग में बनाएगा, यहाँ पर नोट बनेगा और एक बार फिर से ये मैक्सिमम सुनाई देगा। तो जैसे ही दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमम हमें सुनाई देता है तो हमें पता है दो कंसेक्यूटिव, ये L1 हमने नोट कर लिया जब पहली बार सुनाई दिया, और दूसरी बार जब इसके बाद कंसेक्यूटिव धीरे धीरे करके स्लोली लेवल नीचे ले गया इसके अंदर का, तो फिर से एक मैक्सिमम सुनाई दिया। तो ये जो दोनों मैक्सिमम हमें सुनाई दिया इसके बीच का, ये लेंथ हमारा पता है, ये हमारा L1 है और ये लेंथ हमारा L2 है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि L2 माइनस L1 विच इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। और अगर L2 L1 पता है तो लेमडा का वैल्यू निकल गया, और अगर लेमडा का वैल्यू निकल गया तो स्पीड ऑफ वेव जो हो जाएगा v विच इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लेमड़ा। म्यू तो ये ट्विनिंग फॉग पे लिखा ही हुआ है, जो ट्विनिंग फॉग का फ्रीक्वेंसी है वही इस एयर में वाइब्रेट करने का फ्रीक्वेंसी होगा, तो म्यू नॉट तो सेम रहेगा, और ये लेमड़ा हमने यहाँ से निकाल लिया रीडिंग से, तो ये हमारा वेवलेंथ हो गया, तो स्पीड ऑफ वेव हम यहाँ से निकाल सकते। और इस एक्सपेरिमेंट को कई बार हम लोग रिपीट करते हैं ताकि एरर कम हो। ये V1 निकाल लिए, एक बार और इसी चीज को रिपीट करके V2 निकाल लिए इस तरह से, और सबका एवरेज एक मीन ले लिए, तो वही हमारा स्पीड ऑफ साउंड वेव हो जाता है इस मीडियम में। तो ये तो हुआ रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब कई बार रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम लोग एंड करेक्शन लगाते हैं, तो एंड करेक्शन जब लगाएंगे तब क्या होगा, तो जब एंड करेक्शन मान लो ये हमने लेंथ L1 लिया और मान लेते हैं एंड करेक्शन कितना है E, तो यहां पर हम जोड़ेंगे तो यहां से ये टोटल लेंथ हमारा हो गया कितना L1 + E, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया, क्योंकि ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो एंड करेक्शन सिर्फ एक ही जगह रहेगा। अगर एंड करेक्शन लेना है तो हमारा ये लेंथ हो जाएगा L1 + E और ये हो जाएगा L2 + E, तो ये टोटल जो डिफरेंस हुआ ये डिफरेंस हमारा हो जाएगा L2 + E माइनस L1 + E एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। तो ये ई फिर से कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हमारा आएगा L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, मतलब एंड करेक्शन का भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ वेव जो होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स लेमडा, और लेमडा का वैल्यू अगर हमें पता है तो डायरेक्ट यहां पर हम वैल्यू पुट करके स्पीड ऑफ साउंड वेव निकाल सकते हैं। तो ये रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का एडवांटेज ये है कि जो भी मीडियम यहाँ पे रहेगा ट्यूब में, जो भी एयर है, तो इस एयर में हम स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो स्कूल में नॉर्मली करना रहता है। इस पर हम एक दो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट का सोचना है। जैसे टू डिटरमाइन द साउंड प्रोपेगेशन वेलोसिटी इन एयर बाय एक्वास्टिक रेजोनेंस ट्यूब टेक्निक, वन कैन यूज ए पाइप विद अ पिस्टन एंड ए सोनिक मेम्ब्रेन क्लोजिंग वन ऑफ इट्स एंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड
इफ द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पोजिशन ऑफ द पिस्टन एट विच द रिजोनेंस इज ऑब्जर्व एट अ फ्रीक्वेंसी दिस 2000 हर्ज इज इक्वल टू दिस, मतलब दो कंसेक्यूटिव लेंथ जहां पर रिजोनेंस हमें दिख रहा है वो है कितना 8.5 सेंटीमीटर, मतलब L2 माइनस L1 का वैल्यू जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट में जो दो रेजोनेंस के लेंथ का, दो कंसेक्यूटिव रेजोनेंस के लेंथ का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है लेमडा बाई 2। तो यहां से हम बोलेंगे लेमडा हमारा हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर में है, या हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ये हमारा हो गया वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 2000 हर्ज, तो हमारा स्पीड जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लेमडा, और फ्रीक्वेंसी हमारा 2000 और वेवलेंथ हमारा 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये हमारा हो जाएगा 34 इंटू 10 टू दी पावर, ये हो जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा स्पीड ऑफ वेव हो गया, या इसको हम बोल सकते हैं दिस इज 0.34 किलोमीटर पर सेकेंड। नॉर्मली हम स्पीड मीटर पर सेकेंड में ही बताते हैं, तो ये हमारा 34 को इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एंड करेक्शन भी है। In a resonance tube experiment, a tuning fork of frequency 400 Hz. Frequency दिया हुआ tuning fork का कितना? 400 Hz. ये हमें दिया गया है, given. The first resonance is observed at length of 20 centimeter. तो 20 centimeter पे resonance है, तो 20 plus end correction मान लेते हैं E है. ये हमारा कितना हो गया? Lambda by 4. ये हमारा पहला है fundamental frequency, first resonance हमें मिला. और दूसरा दिया हुआ है सेकेंड रेजोनेंस कब ऑब्जर्व होता है 62 सेंटीमीटर, तो हम यहां से बोल सकते हैं 62 प्लस ई, जो सेकेंड लेंथ है वो 62 और एंड करेक्शन हमने ई मान लिया, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 लेमडा बाई 4, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को घटा दें तो सेकेंड माइनस अगर फर्स्ट कर दें तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 42, ये हमारा 62 माइनस 20 डेट इज 42 और E और E कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 लेमडा बाई 4 माइनस लेमडा बाई 4 इज 2 लेमडा बाई 4, और हम यहां से बोल सकते हैं लेमडा जो हो जाएगा हमारा 42 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, ये हमारा वेवलेंथ हो गया। और अगर वेवलेंथ 84 सेंटीमीटर है तो स्पीड जो हो जाएगा, पहला पार्ट का हमें स्पीड निकालना है, सो V हो जाएगा दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी है कितना 400 और वेवलेंथ हमारा 84, तो ये हो जाएगा 84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 विच इज इक्वल टू ये 6336 मीटर पर सेकेंड, ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमें बताना है हाउ मच डिस्टेंस, मतलब एंड करेक्शन हमें बताना है, ई का वैल्यू बताना, तो यहां पर कुछ नहीं करना, 20 प्लस ई इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में लेमडा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ई, ये ई जो कि नहीं पता है, विच इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, लेमडा है हमारा 84 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा हो जाएगा 21, तो यहां से हम बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब प्रेशर का जो नोड बनेगा वो 1 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा, तो ये हमारा हो गया एंड करेक्शन। हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव में ये जो हमारा वेवलेंथ होता है क्लोज ऑर्गन पाइप में, ये एंटी नोड प्रेशर एंटी नोड यहां बनता है और ये डिस्टेंस हो जाता है ई, और यहां पे ई का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 1 सेंटीमीटर।